तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको बकरी बाजार के अंदर ले जाके बहुत सारी चीजें दिखाई थी। आज आपको दिखाते हैं कि अगर आप दुकान पे पहुंचते हैं और अगर खसी कटा हुआ है तो फिर आप कैसे पहचानेंगे। थोड़ी सी वीडियो में अलग तरह की वीडियो होगी, मतलब जानवर को काटते हुए दिखाया जाएगा। तो अगर आपको नहीं देखना है यहीं पे आप स्किप कर दीजिए, अगर देखना है तो फिर यहाँ से आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हो। चलिए चलते हैं। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। आज खाने की वीडियो नहीं है, आज है मटन कैसे पहचाने उसकी वीडियो। चलिए हम लोग हैं गाइस अभी गोला रोड में आफ्ताब मटन शॉप पर, और एक्चुअली मैं यहीं से लेता हूँ मटन, इसलिए सोचा कि यहीं पे आपको दिखाऊं और बताऊं। यहाँ पे देखिए अभी अभी मटन तैयार करके लटकाया गया है, तो पूछते हैं कौन कौन सा पार्ट इसमें खाने लायक होता है, सही होता है, और कैसे आप पहचानेंगे कि अगर खसी कटा हुआ है तो फिर वो खसी है, बकरी है, पाटी है, क्या है, ये आप कैसे बताएंगे। हाँ भाई आसिफ भाई बताओ कैसे कैसे पहचानेंगे। ऐसे पहचाना जाता है ये क्या, मतलब देखो खसी होगा तो क्या होगा इसमें, ये खसी ऐसा रहता है। अच्छा अच्छा पहचाना जाता है। और पाठी रहेगा तो उसमें नहीं होगा, पाठी रहेगा उसमें नहीं होगा, पाठी में नहीं होता है नहीं। और क्या तरीका है पहचानने का, पहचानने का और इस इधर सिंगल रास्ता होगा, ऐसे नहीं तो पाठी में डबल होगा, पाठी में डबल होगा। अच्छा तो और किस किस तरह का खसी होता है, खसी पाठी और क्या होता है, खसी पाठी बकरी बकरी। आसिफ भाई दिखाओ एक बार जरा खसी घुमा के दिखाओ। तो ये देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि वो खींच के दिखाना। देखो जो खस्सी होगा ना उसमें ये वाला जो आपका है नली ये रहेगा, बाकी बकरी में इसको बांध देते हैं या सील देते हैं, इस तरह से करते हैं। और दूसरा कि आप पीछे दिखाओ आजी भाई, यहाँ देखो जो इसका रास्ता होगा तो वो एक ही होगा, यहाँ पर ऐसे जो बकरी होगा उसमें दो रास्ते होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि आप पीस अगर लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा तीन वर्ड, नली, बोटी और चाप, ठीक है। नली मतलब ये हो गया शैंक, ठीक है, ये पूरा नली हो गया। बोटी दिखाओ भाई, बोटी कौन सा हो गया, बोटी मतलब गोश्त वाला पीस, तो बोटी इधर से भी निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से भी निकलता है। और चाप में चाप दिखाओ भाई आसिफ भाई, तो यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सीना का पोर्शन, ये इधर, और सीना के पोर्शन के पीछे पीछे घुमा ये वाला जो है ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको निकलेगा बैकबोन के पास चाप। और ये जो है ये पूट होता है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी पूट, गर्दन ये आपका हो गया, अगला रान, ये पूरा रान है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रान हो गया, ये हो गया उसका नली, और ये हो गया पिछला रान। अब मैं आपको बता दूँ पिछला रान जो होता है उसमें गोश्त ज़्यादा होगा, लेकिन गोश्त में रेशा होगा, क्या आसिफ भाई सही बोल रहे हैं, सही बात है, गोश्त में रेशा ज़्यादा होता है पिछला रान में। और अगला रान का गोश्त क्या मुलायम होता है, मुलायम होता है, खाने में अच्छा लगता है। और कौन कौन सा पीस खाने में अच्छा होता है, अगला रान, गर्दन, सीना, चाप, गर्दन, सीना, चाप। अच्छा अच्छा घुमाओ एक बार इसमें, देखिए अब मैं अंदर बताता हूँ। यहाँ पे देखो आपका कलेजी है, गुर्दा है उसके पीछे, और ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको लर बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो ना पीछे में ये वाली चर्बी, ये देखो ये वाली जो चर्बी है किडनी के पास की चर्बी, ये सबसे अच्छी चर्बी होती है, इसको खाने से मतलब ये नुकसान कम करता है। यहाँ पे देखो यही है चुस्ता, जिसके लिए लड़ाई होती है हर जगह हम हर वीडियो में आप देखोगे लोगों को चुस्ता खाते हुए, यही है चुस्ता। और अभी बिल्कुल माल रेडी किया गया है, एक बार दिखा दो ऊपर से नीचे तक घुमा के। तो ये देखिए यही तरीका है अगर आप मटन लेते हैं तो उसमें पहचानने का, यही तरीका होता है। मटन का कलर देखिए जब बड़ा होगा तो यही कलर डार्क हो जाएगा मटन का, और जब छोटा होगा तो थोड़ा सा ये पिंक लिए हुए रहेगा। तो बस अगली बार से जब आप मटन खरीदने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको मटन पहचानना कैसे, मेन जो यही पार्ट है इसी से आपको पहचानना होता है आगे पीछे और आगे से। तो बस होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटी सी वीडियो हमने बनाई है मटन कैसे खरीदें उसके ऊपर, और आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, होली स्पेशल वीडियो है, होली पे जाइए मटन खरीदने और ध्यान से देखकर मटन खरीदिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब।